नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सागर लोनारी है। अन्ना टायर सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो बना रहे हैं, जो अपनी एयर टैंक आती उसका रिटर्न वाल कैसे सेट करें। अभी मेरा रिटर्न वाल ख़राब हो गया, तो उसको कैसे सेट करें देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे मेन पार्ट दोस्तों, वो जो टंकी का वही आता है, क्योंकि ज़्यादा रिक्स उसमें रहता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है। चलो देखते हैं आगे वीडियो कैसे बनते हैं। दोस्तों, ये टैंक है, उसके बाद इसको 8 दिन 15 दिन में पानी निकाल दिया करो। 15 दिन मैंने एक वीडियो में भी बोला था, तो देख सकते हैं मैंने कॉक सिस्टम किया हुआ है, देख सकते हैं पानी निकल रहा है ऐसा। 8 दिन हुए, 15 दिन होने के बाद अभी देख सकते हैं रिटर्न वाले में नया लाया था, उसको कैसे सेट से। दोस्तों, इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखिए, भी ये पुराना है, इसको निकालिए, क्या होता है ऊपर नहीं आता था, उसको मैंने पूरी सेटिंग कर दी थी। और 200 जैसे कभी भी रिटर्न वाल को जैसे ऊपर किया ना, तो समझो 200 पे सेट करना है, जैसा खोलेंगे वो कम पे होता है। अभी इसमें स्प्रिंग ख़राब हो गई थी, तो स्प्रिंग इसमें पूरा निकालने के, देखो ये स्प्रिंग है, ये नरम हो गई थी, तो इसके लिए हार्ड स्प्रिंग होना, ये पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा लाया था। अब देख से इसमें रबर वाला वाइशर आता है, ये भी ख़राब हो गया था, उसको अंदर से साफ़ कर लेना कभी भी। उसके बाद ये देख सकते हैं नया वाल लाया था मैं, ये 250-250 रुपये में मिलता, ये पूरा खोलने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। इसमें खाली ये आटे आते, उसको ये स्प्रिंग निकाल लो, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, मैं हमेशा आपके लिए ही बनाता हूँ यार, यानी काफ़ी मेरे दोस्त हैं, किसको पता नहीं था। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें वाइशर है, ये नया है, ये तो अकेले दोनों चीज़ मिलती नहीं दोस्तों, ये पूरा वाली सेट पूरा आता है 200-250 रुपये में। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है, पर 150 इधर उधर, या हमें 200 में मिलेंगे आपको, 250 में मिलेगा, कहीं 150 में मिलेगा। देख सकते इसको अभी फिटिंग करते हैं, फिटिंग करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। 15 दिनों में पानी निकाल लिया करो, उसके बाद 15-20 दिन उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया करो दोस्तों। जैसे आप पानी निकालेंगे ना, उसमें 225 ml अपने इसमें ऑयल डाल दिया करो, जो अपना हवा का हेड आता ना उसके ऊपर। अभी देखो ये स्पेस आ गई है, वो वाला गैस। चलो इसको अभी फिट कर लेते हैं, इसको फिट करना तो बिल्कुल आसान है। ये रबर है, ये हो जाता है ख़राब पानी की वजह से, देख सकते हैं। और दोस्तों, जितना कसेंगे उतना टाइट हो जाएगा उठने में, जितना ढीला उतने भी वजह से। आपको पहले क्या करने का, 200-250 पॉइंट हवा भर लेने का, उसके बाद वाल को ढीला करने का। जैसे अपने कुकर की सीटी कैसे बजती, पहले सब बिल्कुल सुर सा आवाज़ आता है, देखो ऐसे वर्किंग हो रहा, वो पुराना वाल वर्किंग नहीं हो रहा था। अब देखो ये ऊपर नीचे हो रहा, तो ये काम कर रहा है ये वाल, इसके ऊपर तो हमेशा ध्यान रखिए भाई। ये टायर दुकान में कोई बताएगा नहीं, मैंने सोचा चलो काफ़ी लोगों को पता नहीं था, मेरे भाई जो नए नए दुकान डाल देते वो पानी भी नहीं निकालते। एक बंदे को तो पूछा भाई, वो बोलता भाई तुमने बोला पानी नहीं, इसमें पानी डालना पड़ता है यार, तो उसमें पानी जमा होता, तो उसमें कम से कम 6-7 लीटर पानी निकला था। उसने मुझे वीडियो शूटिंग करके मुझे भेजा था। अभी देखो मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है, अभी उसमें हवा सेट करते, यानी हवा भरते 200-250 के ऊपर। इसको 720 RPM लगता है दोस्तों, यानी 1 मिनट में 1500 RPM ये घूमता है। इसको 720 RPM है तभी आपकी हवा सही बना सकता है। अभी देख सकते हैं, ये मैंने 200-250 हवा भर ली है, 250 हवा भर ली है। जैसा 2 HP का होना दोस्तों, उसमें 200 के ऊपर ही सेट कीजिए बस, 200-180 अच्छी क्वालिटी का उसे वो, तो उसको 180, 200 इसके ऊपर नहीं सेट करना बस। अब ये देख सकते हैं, इसमें पूरा हो गया है, हवा भी देख सकते हैं फुल हो गई,
अब देखो इसमें ऐसा आवाज़ आने लगता है जैसे सेम अपना कुकर की सीटी कैसी बजती, बस वही तरह है हवा। जैसे कभी कभी अपन मशीन पे यानी मशीन चालू कर दिया है, मशीन चालू कर दिया उसके बाद क्या होता है, कई आदमी भूल जाता है चाय पीने चला जाता है, स्प्रिंग ये ख़राब ही हो गए थे। तो उसके बाद ये वाल, तो देखो आप तुम भूल सकते हो पर ये वाल थोड़ी भूलेगा, इसका काम है वही करेगा ना, मशीन कभी भूलती है। देखो मशीन का काम जो वही है, अगर उसमें नहीं उठना तो उठेगा नहीं, जो चीज़ ख़राब होगी तो उठने वाली नहीं है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों। और इसमें सेट करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, अभी देख सकते हो इसको ढीला किया, इसको अगर 200 जैसे टाइट करेंगे ना तो आपका दो समझो इसमें 100 पॉइंट हवा भर दी है, तो जैसे टाइट किया 2-3 आटे किया तो 120 भर जाएंगे, उसको 4 आटे किया तो 140 भर जाएंगे है। तो इसी हिसाब से होता है, ये सेट करना कोई आसान नहीं, आप घर पे कर सकते। देखो ये तो वीडियो देखो जो टायर का काम कर रहा है काफ़ी दिन से उसको पता है, पर ये वीडियो जो बंदा जो नया नया टायर में आता है उसको पता नहीं, ये वीडियो उनके लिए, पर कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं यार, ज्ञान जहाँ से मिले वैसे लेते रहो, ऐसा कभी सोचो मत। मैं बिल्कुल ज्ञानी हूँ, इससे कोई चीज़ मिल जाएगी इसका भरोसा ही नहीं दोस्तों। अभी उसको सेट हो गया, इसको बिल्कुल फिट कर दे, यानी 250 के ऊपर हवा भरती। मेरे पास मीटर छोटा है, मीटर टूट गया था इसकी वजह से मैंने मीटर दूसरा लेके आए थे। और दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो आप भी, ऐसे अनोखा, हम तो बिल्कुल काफ़ी दिन से काम करें, हमारा गुरु तो हमारे पापा ही है, पर मैं सबसे अलग हूँ दोस्तों, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते ही रहता हूँ हमेशा, बचपन से ही मेरा यही काम था, ऐसा कभी जो भी आए वैसा करता ही रहता हूँ, वेस्ट होगा चल जाएगा, पर कुछ ना कुछ करते रहो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ो, टायर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय महाराष्ट्र दोस्तों।